80 साल पुराना मार्केट है। आज मेरे चाचा 40 साल से यहाँ व्यापार कर रहे, मैं खुद आज 30 साल से यहाँ व्यापार कर रहा हूँ। परमानेंट लाइसेंस है वही बैठेंगे, जिनके पास टेम्पररी लाइसेंस नहीं है वो नहीं बैठेंगे। हालांकि उन्होंने परमानेंट लाइसेंस वालों को बैठने की अनुमति दी है, उन्होंने सर्वे करके जिनके पास ये लाइसेंस नहीं है। ये हमारा पूरा रूलिंग जाम हो जा रहा, पैसे देना व्यापारियों को, EMI भरना है, घर में पैसे देना पड़ता डेली, यहाँ से पढ़ाई करके कमा के घर चला के आज हमने हमारे बच्चों को पालना है तो किस तरीके से पाल यार, हमारे पास में कमाने का साधन ही नहीं रहेगा तो हम बच्चे के फीस कहां से भरेंगे। कल मीटिंग में गए, उन्होंने बोले TVC की हम मीटिंग लगाते हैं, उसमें ये सब मुद्दे हम रखते हैं, तो उसके लिए भी 20 साल से लगाते, मैं 20 साल से उनके साथ हूँ, पापा के साथ, ये हमको कार्ड भी दिया गया और बोलते नंदन में जाके धंधा करो, जबकि कार्ड उन्होंने यहाँ पे दिया हमारे को दुकान पे, यहाँ पे फोटो खींचे हमारी और एड्रेस हमारा घर का था उस समय, तो बोलते नंदन में कहां से भरेंगे, उनके साइकिल का जाने आने का खर्चा कहां से देंगे, हमने क्या करना, प्रशासन हमारे को इस तरीके से हरीश करेंगी तो हमने जीना कैसी। मिश्रा में इतने सालों से यहाँ और मैं करीब हम यहाँ पे 20 साल से, मेरे चाचा तो 40 साल से धंधा कर रहे हैं और मैं कम से कम 15 साल से आ रहा हूँ, रोज कमाने और रोज खाने वाले, लाइट का बिल है, ये है, हम कैसे भरे, बच्चों की पढ़ाई उड़ाई शादी उदी हम कैसा करेंगे, ये ऐसे में ये तो है, आज अगर कमा के लेके कल का कोई भरोसा नहीं कर। दुकानें बंद होने से इतनी तकलीफ है कि पैसे पानी नहीं है, बच्चों की फीस भरना है, स्कूल की अभी लेटेस्ट में स्कूल चालू हुए, किताबें खरीदने का है, अभी बहुत से भाई लोग उनके पास पैसे नहीं है जिनके बच्चों के कपड़े खरीदने का है, तो हमारा कुछ ना कुछ कर देने को ना। आज मैं 40 साल पूरी उम्र चली गई मेरी, आज मैं 55-56 साल का हूँ, मैं बचपन से यहाँ पे 14-15 साल से आ रहा हूँ, मेरा कैसा हूँ, हमारे जीने का जो सोर्स है वही खत्म कर देंगे तो हमारा जीना कैसा, एक तो हमारे को रोजगार देते नहीं, नौकरी देते नहीं, 2000-5000 रुपए की नौकरी में हमारा गुजारा चलेगा क्या, आज इलेक्ट्रिक का बिल 11 रुपए पर यूनिट है तो हमने भरना कैसी। नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज और WH News में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं नागपुर के सबसे बड़े जो मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट सीताबर्डी का, वहाँ पे हूँ और ये जो है ये वन वे कहा जाता है, इसे एक जमाने में इसे वन वे कहा जाता था, यहाँ पे इस ये मार्ग पर फुटपाथ पे दुकानें लगती थी कुछ यानी एक हफ्ता पहले यहाँ पे दुकानें लगती थी, लेकिन अभी देखो मैं बताना चाहूँगा कि ये अभी यहाँ पे जो फुटपाथ पे जो दुकानें लगती थी उन पे कार्रवाई करना मनपा के धर्म पे जोड़ने शुरू कर दिया। ये देखिए ये अतिक्रमण विभाग का यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है, जो यहाँ पे फुटपाथ पे दुकानें लगती थी उन पे वो कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ पर पूरे फुटपाथ पे यानी सजी रहती थी जो चिल्लर दुकानदार थे, जो फुटपाथ पे जो कपड़ों की दुकानें रहती थी, हर प्रकार की दुकानें यहाँ पे सजी रहती थी इस फुटपाथ पे, लेकिन अभी अतिक्रमण कार्रवाई होने के कारण यहाँ पे कोई दुकानें दिखाई नहीं दे रही है। नागपुर सिटी है, स्मार्ट सिटी है और महानगर पालिका पूरा जो जिला प्रशासन और पुलिस विभाग इनकी एक मीटिंग हुई है हाल ही में और उसमें निर्णय लिया गया कि महानगर पालिका हद में जितने भी जो फुटपाथ पे दुकानें हैं उसे हटाया जाए, ऐसी आदेश महानगर पालिका द्वारा दिया गया और उसके कारण ही आप देख सकते हैं ये सीताबर्डी में जो फुटपाथ पे दुकानें लगी थी वो अब दिखाई नहीं दे रही है। 12 तारीख से 12 अगस्त से यहाँ पे कार्रवाई करना शुरू हुई है, करीब 1500 के करीब जो परिवार है महानगर पालिका का के कारण वो यानी भूखे मरने की नौबत उन पे आई है। 1500 बाड़ी का एकमात्र स्थान डॉली मोबाइल शॉप की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भी मोबाइल खरीदने पर स्मार्ट वॉच व ईयरबड्स फ्री। आप ऑनलाइन मोबाइल खरीदी करते हैं उससे भी कम दाम में तो आइए डॉली मोबाइल शॉप में। 1000 के करीब जो परिवार है उनपे भूखे मरने की नौबत आ रही है। मैं बताऊंगा, देखो पुलिस का भी यहाँ पे काफी तगड़ा बंदोबस्त भी दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप
इसी जगह पे, यानी दोनों साइड, इधर भी दुकानें रहती थी फुटपाथ पे और ये साइड में भी दुकानें रहती थी, सजी रहती थी, हर प्रकार की वस्तुएं, कपड़े वगैरह जो भी है, जो गरीब जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो यहाँ पे आते थे और यहाँ से कपड़े ले खरीद के जाते थे। ये शोरूम को, ये शोरूम में न जाते हुए फुटपाथ के जो दुकानें थी वहाँ के ही कपड़े लेना काफ़ी लोग पसंद करते भी है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 12 तारीख से जो महानगर पालिका के द्वारा एक फतवा निकाला गया कि फुटपाथ पर एक भी दुकान लगना नहीं चाहिए, हमारे साथ में अभी जो फुटपाथ पे दुकानें लगा देते हैं वो विक्रेता हमारे साथ में है, क्या नाम है आपका? मैं अविनाश तिरपड़े हूँ, सीतावर्डी हॉकर्स वेलफेयर एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष हूँ। गए 2 दिन से महानगर पालिका यहाँ आकर हमें टेम्परेरी लाइसेंस और परमानेंट लाइसेंस के विषय में आकर बताकर, जिनके पास टेम्परेरी लाइसेंस है वो नहीं बटेगा। देखिए, ये टेम्परेरी लाइसेंस हमको 2016 में इशू किया गया है और वो इसको वो मान्यता नहीं दे रही है, जबकि ये टेम्परेरी लाइसेंस इन्होंने ही दिया हुआ है महानगर पालिका ने। जैसे कि हम RTO में जाते हैं तो हमको पहले लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है, उसके बाद में परमानेंट लाइसेंस दिया जाता है। ये 2016 से हमको लर्निंग लाइसेंस दिया हुआ है, अभी तक परमानेंट दिए नहीं है। और वो बोलते पहले के जो 2016 के जो लाइसेंस वाले थे वही बैठेंगे, जो कि उन लोगों ने सिर्फ 88 लोगों की लिस्ट बताई है। और जो नया सर्वे हुआ, नए सर्वे में सबका रजिस्ट्रेशन हुआ, ये रजिस्ट्रेशन कॉपी के साथ में उन्होंने हमको ये टेम्परेरी लाइसेंस दिए, ये नहीं चलते करके उन्होंने उठा के फेंक दिया। यानी उनका क्या कहना है कि 2016 के पहले जो भी लाइसेंस है धारक है वही बैठेंगे, ऐसे उनका कहना है। उनका कहना वही है। ये आपको कब दिया गया लाइसेंस? ये 2016 में दिया गया। फिर आप क्यों नहीं बैठ सकते? ये टेम्पररी है, टेम्पररी है करके वो बोलते कि ये टेम्पररी लाइसेंस नहीं चलेगा, जिनके पास में परमानेंट लाइसेंस है वही बैठ सकते हैं, ऐसा वो उनका कहना है। अच्छा, ये टेम्पररी लाइसेंस का कलर पीला है और जो परमानेंट लाइसेंस है उसका कलर वो नीला है। नीला कलर है। हाँ, कितना पैसा भरना पड़ा इसके लिए? हमको 228 रुपए भरने पड़े थे उस समय जब रजिस्ट्रेशन हुआ था। इन्होंने सर्वे करके रजिस्ट्रेशन किया था, यहाँ आके उन्होंने फोटो लेकर रजिस्ट्रेशन किया था कि सबके नाम बर्डी के है, कोई महल के है, सबके रजिस्ट्रेशन हुए थे। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी आज 2016 से हम काम धंधा कर रहे हैं, लेकिन अचानक से कौन सा ऑर्डर लेके आए और बोलते कि अभी ऐसा ऑर्डर है कि जिनके पास में परमानेंट लाइसेंस है वही बैठेंगे, जिनके पास टेम्पररी लाइसेंस नहीं है वो नहीं बैठेंगे। हालांकि उन्होंने परमानेंट लाइसेंस वालों को बैठने की अनुमति दी है, उन्होंने सर्वे करके जिनके पास में ये लाइसेंस थे उनको उठा दिए। तो हमारी यूनियन ने ये फैसला लिया कि भैया जब परमानेंट लाइसेंस वाले बैठेंगे तो टेम्पररी का आ जाएंगे हमारी यूनियन के सदस्य, तो हम लोगों ने पूरा ही मार्केट बंद करा दिए। परमानेंट लाइसेंस वाले कितने हो गए और टेम्पररी लाइसेंस वाले कितने हो गए? यहाँ पूरे 344 लोगों की लिस्ट है हमारी यूनियन की, 344 की लिस्ट हमने हाईकोर्ट में सबमिट किए हुए हैं। हाईकोर्ट से ऑर्डर से हमको स्टे भी मिला हुआ था 2016 में, 2016 से स्टे है हमारे पास में, उसके बावजूद भी मनपा प्रशासन आज तक हमको काम धंधा करने दी यहाँ तक के। लेकिन अभी अचानक से क्या हुआ है, कौन सा ऑर्डर आया है, हम बोलते ऑर्डर बताओ तो ऑर्डर नहीं बताते हमको। हमने बोले कि जो टेम्पररी लाइसेंस है वो नहीं चलेगा ऐसा लिखित में दो। टेम्पररी लाइसेंस वाले कितने? मिनिमम 200 लोग होंगे, 344 में से 200-250 लोग, 250 लोग होंगे। क्या मांग है अभी आपकी? हमारी यही मांग है कि जो टेम्पररी लाइसेंस है उनके जो लाइसेंस बने हुए हैं उनको इशू किया जाए, और हमारे को 2016 से जैसे हम बैठे हैं आज तक के, हमको आज तक वैसे बैठने दिया जाए, हमारी यही मनपा प्रशासन से मांग है। हम महानगर पालिका मनपा कमिश्नर के पास में कल मीटिंग में गए, उन्होंने बोले TVC की हम मीटिंग लगाते हैं उसमें ये सब मुद्दे हम रखते हैं, तो उसके लिए भी 8 दिन लगेंगे बोले। अब 8 दिन तक के हमने क्या भूखे मरना क्या? यहाँ कितना परिवार इससे बेघर होते नजर आ रहा है? कम 500 लोगों का यह परिवार, तो 2000 लोग तो हम ये हॉकर्स के भरोसे चल रहे हैं। आज हमारे बीवी बच्चे हैं, इनके पढ़ाई लिखाई है, आज हमारे को भी संविधान ने अधिकार दिया हुआ है बैठ के धंधा करने का, और हमारे लिए 2014 का कानून बना हुआ है कि जो पर्यंत यांची पर्याय व्यवस्था होऊ शकत नाही तोपर्यंत तुम्ही यांना हटवू शकत नाही, पण हे पर्याय व्यवस्था तर करतच नाही, अजिबात आम्हाला उठलून टाकतात, बेदखल करून टाकतात। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है ये येलो कार्ड, यानी महानगर पालिका द्वारा इनको टेम्पररी दिया गया था 2016 में, और कुछ लोगों को, यानी करीब 344 हॉकर्स है और 344 हॉकर्स में से 200 से 250 जो हॉकर्स है उनको ऐसे येलो टेम्पररी कार्ड दिया, यानी ये दिया था, परवाना दिया था, और बाकी जो है उनको यानी परमानेंट वाला परवाना दिया गया था। लेकिन महानगर पालिका का अभी
कुछ दो दिन पहले उनकी एक मीटिंग हुई, उनमें एक तय हुआ कि जो परमानेंट लाइसेंस धारक है, जो हॉकर्स है, उन्हीं को ही यहाँ फुटपाथ पे बैठ सकते, और टेम्पररी जो जिनके पास लाइसेंस है हॉकर्स वालों के पास, वो नहीं बैठ सकते, ऐसी उन्होंने कहा है। लेकिन इनका एक ही कहना है कि 2016 से हम जब मांग कर रहे हैं कि परमानेंट लाइसेंस हमें दिया जाए, तो क्यों नहीं दिए, ये इनका कहना है। और इसके कारण करीब करीब 500 से ऊपर परिवार बेघर होते नजर आ रहा है। इसकी ओर महानगर पालिका ने ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपका रेडी नाम है अमित डावर। क्या लगता है आपको कि महानगर पालिका जो कार्रवाई कर रही है फुटपाथ जो विक्रेता है उन पे क्या हो रहा है, उसका क्या असर गिर रहा है? गलत कार्रवाई है ना ये, ये हमारे हमारा पूरा रूलिंग जाम हो जा रहा है। पैसे देना व्यापारियों को, EMI भरना है, घर में पैसे देना पड़ता डेली, रोज पैसे लगते हैं, बिना पैसे से कोई काम थोड़ी नहीं चलता। बैज वाले से पैसे लिए, बैज वाले को बैज के पैसे देना पड़ता है, कहाँ से देंगे? दुकान बंद हो जाएंगे तो पूरा बंद हो जाएगा। आप कितने साल से लगाते थे यहाँ पे दुकान? मेरे पापा 40 साल से लगाते, मैं 20 साल से उनके साथ हूँ, पापा के साथ। ये हमको कार्ड भी दिया गया और बोलते नंदन में जाके धंधा करो, जबकि कार्ड उन्होंने यहाँ पे दिया हमारे को दुकान पे, यहाँ पे फोटो खींचे हमारी और एड्रेस हमारा घर का था उस समय, तो बोलते नंदन में जाके धंधा करो, जबकि पापा 40 साल से यहाँ धंधा कर रहे हैं। कितने परिवार में कितने लोग हैं जो इसके ऊपर ही आपका गुजारा होता है? सात लोग हैं मेरे घर पे। टोटल कितना लोग है? सात मेंबर है ना घर पे। अभी क्या दो दिन से जब धंधा पैसा ही नहीं ना, क्या करेंगे? रोज कमाते, रोज घर जाते हैं, लेके जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि रोज कमाते हैं और रोज पैसे घर पे लेके जाते हैं और उसके ऊपर ही इनका परिवार का गुजारा होता है, लेकिन पिछले दो दिन से अभी ये यानी परिवार पे यानी आर्थिक संकट आ चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदेश मिश्रा है। इतने सालों से यहाँ? और मैं करीब हम यहाँ पे 20 साल से, मेरे चाचा तो 40 साल से धंधा कर रहे हैं और मैं कम से कम 15 साल से आ रहा हूँ मार्केट में। तो अभी दुकानें बंद होने से इतनी तकलीफ है कि पैसे पानी नहीं है, बच्चों की फीस भरना है, स्कूल की अभी लेटेस्ट में स्कूल चालू हुए, किताबें खरीदने का है, अभी बहुत से भाई लोग उनके पास पैसे नहीं है जिनके बच्चों के कपड़े खरीदने का है, तो हम लोग इस परिस्थिति में भी क्या करेंगे? एकदम से ये दुकानें बंद होने से जो हमने मार्केट से लोन लेके इधर उधर से पैसे लिए और जो माल डाले है, अब वो माल तो हमारे पास पड़ा है और अभी अगर सीजन में नहीं बेच पाएंगे तो फिर हमारी कैसा होगा, हम कैसा चलाएंगे अपना काम धंधा? तो हमको बहुत तकलीफ में, अभी बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि माल भी उन्होंने लिया है लेकिन वो माल अगर बेचेंगे नहीं तो कैसी घर चलेगा। आपका नाम क्या है चाचा? ईश्वर पोनीकर। कितने साल से आप इस फुटपाथ पे हो? 40 साल हो गया। क्या बेचते हैं आप? मैं मोजे बेचता हूँ। मोजे तो ये मोजे बेच के आपका घर का घर चलता है? आप बताओ, रोज कमाने और रोज खाने वाले, लाइट का बिल है, ये है, हम कैसे भरे? बच्चों की पढ़ाई उड़ाई शादी हम कैसा करेंगे? ये ऐसे में ये तो है, आज अगर कमा के लेके कल का कोई भरोसा नहीं कर रहे ये लोग, ये क्या करेंगे हम लोग? ये सब भाई लोग है, क्या करेंगे इससे? ऐसे में कोई ये नहीं होता, ये यानी कॉर्पोरेशन रहे, पुलिस वाले रहे, इन्होंने हल निकाल के हमारे को कुछ ना कुछ कर देने को ना। आज मैं 40 साल, पूरी उम्र चली गई मेरी, आज मैं 55-56 साल का हूँ, मैं बचपन से यहाँ पे 14-15 साल से आ रहा हूँ, मेरा कैसा होगा? हाँ मेरे घर में तो मैं देखो, मैं बताना चाहूंगा कि ये जब 14-15 साल के थे तब से ये सीताबर्डी के फुटपाथ पे ये एक यानी चिल्लर व्यापारी है ये, और फुटपाथ पे बैठ के ये अपना गुजारा करते थे, परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन आज ये 56 साल के हो गए। आज 56 साल के होने के बाद ये कौन सा काम करेंगे हम लोग? हम कौन सा काम करें? कोई नौकरी दे रहे हैं कोई मेरे को? कुछ करेंगे हम जैसा भी 200-400 रुपए। परिवार में कितने लोग हैं आपके? मियाँ बीवी दो बच्चे, चार जन। हाँ इसी को मेरे ऊपर है, वो तो बच्चा तो पढ़ाई कर रहा है, दूसरा कोई काम ही नहीं है, दूसरा कोई काम भी नहीं आता। 16 साल की उम्र से ही है, स्कूल भी पढ़े हम यहीं से, जैसे पढ़ाई करके सब ये कर रहे हैं। EMI भरना, ये करना है, बैंक की इंस्टॉलमेंट कहाँ से भरेंगे? देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक और मोदी जी कहते हैं कि सबको रोजगार देंगे, और एक और महाराष्ट्र सरकार, आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र के नागपुर शहर का ये हृदय स्तंभ कहा जाता है सीताबर्डी, और कई साल पुराना ये फुटपाथ पे यहाँ पे यानी दुकानें लगती है, 40 साल पुरानी दुकानें यहाँ पे लगती है, और करीब करीब इस मार्केट को 80 साल हो गए, 80 साल पहले का मार्केट है ये, आज का नहीं है, 2-4-8 दिन पहले का, 80 साल पुराना मार्केट है। आज मेरे चाचा 40 साल से यहाँ व्यापार कर रहे,
मैं खुद आज 30 साल से यहाँ व्यापार कर रहा हूँ। मैं बचपन में गए यहाँ से पढ़ाई करके और कमा के घर चला के आज हमने हमारे बच्चों को पालना है तो किस तरीके से पाल यार, हमारे पास में कमाने का साधन ही नहीं रहेगा तो हम बच्चे की फीस कहाँ से भरेंगे, ट्यूशन की फीस कहाँ से भरेंगे, उनके साइकिल का जाने आने का खर्चा कहाँ से देंगे, हमने क्या करना? प्रशासन हमारे को इस तरीके से हरीश करेंगी तो हमने जीना कैसी? हमारे जीने का जो सोर्स है वही खत्म कर देंगे तो हमारा जीना कैसा? एक तो हमारे को रोजगार देते नहीं, नौकरी देती नहीं, 2-4-5 हजार रुपए की नौकरी में हमारा गुजारा चलेगा क्या? आज इलेक्ट्रिक का बिल 11 रुपए पर यूनिट है तो हमने भरना कैसी? निश्चित मैं बताना चाहूंगा कि देखिए ये इन्होंने जो अपनी व्यथा जो बताई है तो आप इसे समझ सकते हो कि 80 साल से यहाँ पे ये फुटपाथ पे सीताबर्डी के फुटपाथ पे दुकानें लगा रहे हैं, आज इनका परिवार का गुजारा भी वैसे ही हो रहा है, आज ये करीब 40 साल के ऊपर है और बचपना उनका यही पे गया है और इसके बदौलती ये परिवार का गुजारा करते हैं। इसके बावजूद भी अगर जो बड़े बड़े शोरूम वाले बैठे है इन्होंने खुद ने यह फुटपाथ पे धंधा करके आज शोरूम में बैठे है, कई शोरूम वालों को गिना दूंगा मैं पर अभी नाम नहीं लूंगा। निश्चित मैं बताना चाहूंगा आपको कि इनकी भावनाओं को प्रशासन ने समझना चाहिए, हॉकर्स के भावनाओं को प्रशासन ने समझना चाहिए। इन्होंने शोरूम ले लिया तो नागपुर महानगर पालिका ने जो कार्रवाई कर रही है 12 तारीख से लेके तो 19 अगस्त तक 12 अगस्त से लेके तो 19 अगस्त तक महानगर पालिका जो धर्मपेट जोन है वो कार्रवाई कर रही है सीताबर्डी के हॉकर्स पर। आज इन पे मैं बताना चाहूंगा आज इन पर जो है वो भूखे मरने की नौबत आ रही है, परिवार का गुजारा कैसी होगा, उसकी पढ़ाई कैसी होगी, बच्चों की खाएंगे क्या, इलेक्ट्रिक बिल भरेंगे कैसी, ऐसी नौबत इन पे आ गई है तो प्रशासन ने थोड़ा सोचना चाहिए और इनको परमानेंट जगह देना चाहिए यहीं पर, और इनको परमानेंट जगह देकर इनके जो परिवार है उनका विचार कर ही महानगर पालिका ने इनको परमानेंट जगह देकर इनका पुनर्वसन यहीं पे करना चाहिए सीताबर्डी के इस वन में, ये जो पुराना वन में कहा जाता है इसी पर इनका यानी पुनर्वसन करना आवश्यक है। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज WH न्यूज, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार।